नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज हम बात करते हैं जनपद जालौन के चुरकी थाने की। 1962 में स्थापित हुए स्थाने की पुरानी आवासीय बिल्डिंग जिसमें पुलिस कर्मी रह रहे हैं, इन आवासीय परिसरों की हालत इतनी खस्ता है कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता रहता है, दीवारें बीच से फटने लगी हैं, फिर भी यहाँ आरक्षी भगवान भरोसे रह रहे हैं। शौच क्रिया के लिए थाना क्षेत्र में ही एक ही शौचालय है जिसमें सभी पुलिस कर्मियों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। और बात करें थाना परिसर की सुरक्षा की, तो वो तो भगवान भरोसे है, क्योंकि थाने के पिछले हिस्से में बाउंड्री वॉल नहीं है। वहाँ पुलिस कर्मियों द्वारा लकड़ी के टुकड़े जमीन में गाड़ कर तार बांध दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई घटना हो जाती है या फिर कोई मुलजिम भाग जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ग्रामीण इलाके में थाना होने के कारण रात होते ही आवारा जानवर थाना परिसर के अंदर बैठ जाते हैं और गोबर करते हैं। सुबह पुलिस कर्मियों का पहला काम आवारा जानवरों को बाहर निकालना, साफ सफाई कराना, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या में लगना होता है। हालांकि अगर जानकारों की माने तो नवांगतुक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के संज्ञान में ये प्रकरण आ गया है। अब देखना यह है कि कब इस थाने को इसका हक मिलता है। यहाँ पानी आता है, फिर बरसात में आप लोग कैसे रहते हैं? मैं हेड मोहरर उमा सिंह का राव, मेरा नाम है जी। लेटरिन के लिए सारी पुलिस थाने में जो लेटरिन बनी है उसी में जाती है। एक ही लेटरिन है? एक ही लेटरिन। अच्छा, और आवास रहने की कोई सुविधा नहीं है? अरे हाँ, कुछ एक हेड मोहरर का और एक इनका बना है इंस्पेक्टर साहब का, जिसमें महिला का स्टे वगैरह की है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं हेड मोहरर हूँ, मैं यहाँ बाहर अपना रहता। अच्छा, आप जिस आवास में रहते हो उस आवास की स्थिति क्या है? हमारी स्थिति सब खराब है, ऊपर से टूटे हैं सब। अच्छा, ऊपर से टूटे हैं।